बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, बस। सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर एनेबलिंग ट्यूटर्स टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स इन रियल टाइम। क्विक एक्सेस टू मैनेज एनरोल्ड स्टूडेंट्स। All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's number one teaching app. Teachmint. Atmanirbhar Bharat ka apna app. Aasan hai. Download now. All right. So hello everyone. Welcome back to Students Buzz. My name is Rituraj Singh. You are watching your favorite YouTube channel Students Buzz. और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल और वीडियो का टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे, JEE Mains की जो यार मार्च अटेम्प्ट की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है हर कैटेगरी वाइज। लाइक अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से, या फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, तो इन सभी कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करने वाले हैं क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है मार्क्स के रिगार्डिंग। एंड आगे आगे हम ये भी जानेंगे कि आखिर जो आपका लास्ट ईयर का, दो ईयर का आपका जो ट्रेंड था ऑफिशियल, वो क्या आपका ट्रेंड था, ठीक है, जो कि एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया है। तो उसका ऑफिशियल कट ऑफ भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे कॉलेज रिव्यू और बहुत सारे आपको जेई मेंस के रिगार्डिंग बहुत ही यार हेल्पफुल वीडियोज मिलने वाली है। और यहाँ पे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पे आपको बहुत सारा आपको वहाँ पे अपडेट्स एंड डिस्कशन आप कर सकते हो, ठीक है। देन गाइज, अगर हम बात करें लास्ट ईयर यानी कि 2020 में जो यहाँ का ऑफिशियल कट ऑफ एनटीए ने रिलीज़ किया था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर हम सीआरएल लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 90.37 आपका ये परसेंटाइल में है, ठीक है। अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो 70.24, ओबीसी की यहाँ पे बात करें तो 72.88, एंड अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 39.06, एंड अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो 50.17, एंड अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी की तो यहाँ पे 0.061, ये आपका परसेंटाइल में जो आपका कट ऑफ था, ठीक है। देन गाइज, अगर हम बात करें 2019 की जो ऑफिशियल कट ऑफ थी जेई मेंस की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो गाइज, अगर हम लास्ट टू इयर्स की बात करें यार, तो जो आपका कट ऑफ है वो धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है जनरल के लिए वो 89 था, उसके बाद आपका 2020 में 90% हो गया। तो अगर हम यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें मार्च अटेम्प्ट की, जो आपका यहाँ पे मार्क्स में होने वाला है आपका यहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज, ठीक है। उससे पहले आपका यार एग्ज़ाम कैसा गया, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अपने डेट के साथ एंड अपने शिफ्ट के साथ ज़रूर से ज़रूर बताइए, जिससे हम उस पर भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना पाए। सो गाइज, आपको पता ही होगा कि यार आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है उसका तो आपने बेसिकली मार्क्स ही कैलकुलेट किया होगा, या फिर जब एनटीए अपना ऑफिशियल आंसर की जारी करेगी। तो अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो आपका जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है वो आपका, अगर आपका 77 मार्क्स है यानी कि 77 से 82 के बीच में आपका रहने वाला है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यार आपका यहाँ पे 71 से 76 मार्क्स के बीच होने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपका 39 से 44 के बीच में रहने वाला है। एससी कैटेगरी का यहाँ पे आपका 51 से 55 के बीच में रहने वाला है। अगर हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो आपका 1 से 2 मार्क्स के बीच में रहने वाला है। सो गाइज, आपने अभी तक जो एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे आपका क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसका भी आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर हमें बताइए। सो ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ही बेनिफिट्स होगा। एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग।